हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। महाराष्ट्र के पालघर के सफाले इलाके में होम क्वारंटाइन रखे गए व्यक्ति पर पड़ोसियों ने किया पथराव। दरअसल 29 अप्रैल को पीठ में सूजन आ जाने के कारण दवाई लेने ये व्यक्ति सफाले के सरकारी अस्पताल में पहुंचा था। वहां से आने के करीब 11 दिन बाद 10 मई को स्वास्थ्य विभाग की टीम इस व्यक्ति के घर आई और उन्हें ये जानकारी दी कि जिस दिन ये व्यक्ति अस्पताल में दवाई लेने आए थे उस दिन अस्पताल में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज वहां मौजूद था जो यहां वहां अस्पताल में घूमता रहा, जिसके चलते इस व्यक्ति को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने घर में होम क्वारंटीन रहने की सलाह दी, जिसके बाद इस व्यक्ति ने खुद को होम क्वारंटाइन कर लिया। इसके बाद 14 मई की सुबह करीब 9 बजे जब होम क्वारंटाइन किया गया व्यक्ति अपने आंगन में योगा कर रहा था तब उसके पड़ोसियों ने उस पर पथराव करना शुरू कर दिया। साथ ही उसके साथ दुर्व्यवहार करते हुए उनके परिवार वालों पर भी अभद्र शब्दों का उपयोग किया, जिस पर व्यक्ति के भाई ने सफाले के पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की। मौके पर पहुंची पुलिस ने पड़ोसियों को समझाया कि इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है। हालांकि पुलिस ने किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की और व्यक्ति के परिवार के साथ ये कहकर समझाइश की कि देश में परिस्थिति इस वक्त ठीक नहीं है, आप सभी सहयोग दें और इस मुद्दे को आगे ना बढ़ाएं। मेरे पीठ में हल्का सा सूजन और पीठ में दर्द दे रहा था तो मैं दवा लेने के लिए गया था। 10 दिन बाद मेडिकल टीम आई थी, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया कि आप जिस दिन गए थे उस दिन कोरोना का पॉजिटिव एक केस निकला हुआ है, इसके लिए उन्होंने मुझे होम क्वारंटाइन करने के लिए बोल के गए हैं। 5 दिन से जब मैं गैलरी में आता हूँ तभी वो मुझे धमकी देते हैं। पुलिस आई हुई थी, समझाया कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, एक्शन तो उन्होंने कुछ नहीं लिया हुआ है, वो खाली समझा के हमें गए हैं। व्यक्ति के परिवार वालों का कहना है कि जो व्यक्ति पॉजिटिव भी नहीं पाया गया है और खुद को होम क्वारंटीन भी कर रहा है, इसके बावजूद पड़ोसियों का इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है। साथ ही जिस तरह से पुलिस ने बिना किसी कार्रवाई किए पड़ोसियों को यूं ही जाने दिया, इससे भी परिवार वाले नाखुश हैं। पालघर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।